तो रुक करते हैं फरुखाबाद के कमालगंज की और आपको बता दें कि कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए कोरोना पर रोकथाम के लिए कमालगंज के 25 ग्राम पंचायतों के अंदर कोरोना वैक्सीन का अभियान का आयोजन किया गया। आवाज न्यूज के संवाददाताओं ने वहां पहुंचकर कैमरे में कैद किया नजारा और लिया जाए। आवाज न्यूज की टीम ने ग्राम पंचायत आजाद नगर, बटपुरा, राजेपुर, सराय मिर्जदा में जाकर वैक्सीन कैंप का जायजा लिया। आजाद नगर में वैक्सीन लगवाने के लिए काफी भीड़ मिली। बटपुरा में करीब 1:30 बजे तक कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची। वहां के प्रधानाध्यापक देवेश यादव ने बताया कि यहां भी इससे पहले कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची है। देवेश यादव का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग का बहुत ज़्यादा ढीला रवैया रहता है, जिससे NM की ड्यूटी लगी रहती है। सारी मानदेय को लेकर हड़ताल पर थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फरमान भी है कि वैक्सीन है जरूरी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को हड़ताल है जरूरी। के जरिए ये दिखाएंगे कि वैक्सीनेशन सेंटर में किस तरीके से जन सैलाब उभरा हुआ है। कैमरा मैन जरा इधर से डिटेल दिखाएं। अब हम जानेंगे कि जो टीम आई है स्वास्थ्य विभाग की, ये कितने बजे पहुंची और अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। क्या नाम है मैडम आपका? अंगूरी जी, ये बताइए कितने बजे ये टाइमिंग चालू हुई थी आज? तो वैक्सीनेशन का टाइम क्या रखा गया था? शायद 10 से 5, लेकिन अब ये बताइए अभी तक कितनी वैक्सीनेशन लग गई है? इसमें से फर्स्ट डोज सेकंड डोज दोनों लग रही है। आपका नाम क्या है सर? नरेश जी, तो यहाँ शांति पूर्वक कार्य हो रहा है? मेंटेन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सहयोग दिया थोड़ा लाइन लगवाया, अच्छी तरह लगाए करके सभी एक साथ खड़े जा रहे हैं ऊपर। तो इसमें जो कोरोना के लिए वैक्सीन लग रही है, इसकी गाइडलाइन तो आप लोग फॉलो करें। जब दूरी बना के रखें, मुंह को अपने ढक के रखें, फिर इसी के लिए तो ये वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। गवर्नमेंट आपको जो सहूलियत दे रही है उसका फायदा तो उठाएं, लेकिन गाइडलाइन फॉलो करने के बाद। मैं जाहिद हुसैन, आवाज न्यूज 24। इससे पहले भी एक बार मेरे लिए स्कूल के लिए सूचना आई थी कि वैक्सीनेशन टीम आ रही है, लेकिन अभी तक नहीं आई है और हम लोग अभी तक उनका इंतजार में हैं। अभी तक कोई सुधा तो कोई सूचना मिली है न टीम आई। तो देखिए स्वास्थ्य विभाग का कैसा ढुलमुल रवैया है। एक तरफ गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को, इस भयंकर महामारी की तीसरी लहर आने की जो आशंका है उसको दूर करने की भरसक प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की टीम का ये ढुलमुल रवैया। अब हम नेक्स्ट अगले राउंड में जानेंगे अगले गांव का हाल कि क्या है वहां।